हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 87, जिसमें कि हम नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर इन क्लासेस को देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने नवंबर माह मतलब अक्टूबर माह तक का करंट अफेयर्स जो है इसे वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो अभी हम उसके आगे का पढ़ रहे हैं। 6 नवंबर को वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने किसे OLY की उपाधि से सम्मानित किया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वो है आपका वो है आपकी मैरी कॉम, भारत की बॉक्स है मैरी कॉम को। 6 नवंबर को की गई घोषणा के अनुसार COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ पार्टी बोलते हैं, उसका आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ये पर्यावरण को लेके ये मीटिंग्स होती हैं, तो ये वो है। 6 नवंबर को कौन से भारतीय फुटबॉल क्लब की डॉक्यूमेंट्री अवार्ड उन्होंने जीता है, तो वो है आपका रियल कश्मीर ने। रियल कश्मीर नाम की फ़ुटबॉल क्लब है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री क्लब जो है अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य की सीमा के बाहर पहुंचने वाला दूसरा यान कौन सा बना है, तो वो है BIZER 2। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये सूर्य की सीमा के पास बाहर पहुँचने वाला दूसरा यान है BIZER 2। 6 नवंबर को सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, पुणे में, सतत जल प्रबंधन पर। 6 नवंबर को कौन से देश ने सूडान के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, तो वो है चीन ने। चीन ने सूडान के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 नवंबर को मिस एशिया ग्लोबल टाइटल किसने जीता, तो सर्बिया की सारा ने जीता है, सर्बिया का है सारा दमन जेनोविक ने जीता है मिस एशिया ग्लोबल टाइटल को। 6 नवंबर को 14वां एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, मनु भाकर ने, 10 मीटर के एयर पिस्टल राइफल कंपटीशन में। 7 नवंबर को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान जो होता है भारत में दिया जाता है व्यास सम्मान, उसमें उसके लिए किसको चुना गया है, नासिरा शर्मा को, ये इम्पॉर्टेंट है, उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। क्या नाम है, नासिरा शर्मा, व्यास सम्मान के लिए उनको चुना गया है और उनका उपन्यास है कागज़ की नाव। 7 नवंबर को कौन से राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगा दिया है उसके उत्पादन और बिक्री के, तो वो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। 7 से लेके 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है मतलब जो जगह है धर्मशाला, वहाँ पे वैश्विक निवेशक सम्मेलन मनाया गया जिसका थीम था राइजिंग हिमाचल, तो कौन से देश को इसमें भागीदार बनाया गया, तो UAE है मतलब संयुक्त अरब अमीरात। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में हुआ, मेलबर्न में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WATA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, विटोल्ड बांका, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या नाम है, विटोल्ड बांका। 7 नवंबर को साहित्य एकेडमी पुरस्कार से किस लेखिका को पुरस्कार किया गया था जिनका निधन हो गया, तो वह है नवनीता देवसेन, ये इम्पॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है, चार लोगों का नाम देखे कि इनमें से किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो ये नाम है नवनीता देवसेन। 7 से 8 नवंबर को प्रथम बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में, इम्पॉर्टेंट है, ये पहला बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन था जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने 2023 में होने वाले 15वें पुरुष हॉकी विश्व की मेज़बानी के लिए किसको चुना है, तो इम्पॉर्टेंट है, भारत में जो है 2023 में जो 15वां नंबर का पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वो भारत में होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 नवंबर को 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ, ये हम लोगों ने इसका थीम पढ़ा था इसके पहले वाले लेसन में। 8 नवंबर को कौन सी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया, तो स्पोर्ट्स इमेजिंग, क्या है, स्पोर्ट्स इमेजिंग जो था थीम था इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया।
8 नवंबर को राजा राम मोहन राय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो वो है राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठरी। ये इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार के लिए चुना गया है राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला करेंट अफेयर कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 87। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने लेक्चर नंबर 88 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।